अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। यूं तो भारत में लॉकडाउन है और लोग घरों में ही रहे, इसके लिए प्रशासन भी पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। पुलिस की टीम हर गली मोहल्ले में जाकर लॉकडाउन का पालन करा रही है। इसके लिए पुलिस सख्ती का रुख भी इख्तियार कर रही है, तो कहीं कहीं गांधीगिरी से भी लोगों को समझाकर घरों में रहने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके कुछ असामाजिक तत्व कहें या उपद्रवी कहें, ऐसे हैं जो सरकार की कोरोना से जंग की इस मुहिम में बाधा पहुंचा रहे हैं, जिसका नजारा भारत में अलग अलग जगहों पर पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है, जो बेहद ही शर्मनाक और इंसानियत का गला घोंटने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के करमपुर में उस समय कुछ लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जब पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने की कोशिश कर रही थी। जानकारी के मुताबिक इसके बाद बड़ी संख्या में लोग पुलिस चौकी पर पहुंच गए और चौकी को जलाने का प्रयास करने लगे। जैसे तैसे पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस घटना में एएसपी के घायल होने के साथ साथ कुछ पुलिस कर्मी भी चोटिल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने इस घटना के कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस संबंध में एसपी सिटी रविंद्र कुमार का कहना है कि पुलिस पार्टी पर हमला करने का प्रयास करने वाले लोगों की पहचान कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या बता रहे हैं रविंद्र कुमार, एसपी सिटी बरेली। आज करमापुर के कुछ लोगों ने, जिनकी संख्या लगभग 200-250 होगी, ये हमारे बैरियवन चौकी पे गए, पुलिस वालों से बदतमीजी की। मामला ऐसा शुरू हुआ, जब हमारी लॉकडाउन को इन्फोर्स कराने के लिए हमारी चीता मोबाइल जो है इस गांव में आई थी। गांव में आने के बाद में लोगों को सख्ती से कहा कि भैया पर अपने घर जाए, कोई लॉकडाउन का उल्लंघन न करें। तो दो पुलिसकर्मियों को देखकर गाँव वालों ने उस पर हमला कर दिया, पुलिस वाले चौकी पर चले गए। फिर पूरी गांव वालों ने पूरी भीड़ इकट्ठा करके चौकी पे गए, फिर चौकी पे उन्होंने काफ़ी तांडव किया। फिर उसके बाद में हमें ये उसको रिटेलिएट करने के लिए हमें पुलिस फोर्स बुला के गांव में जाए। गांव पे जब गए हम, तभी लोगों ने हम पे हमला करने की कोशिश की। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनके ऊपर पुलिस के काम में बाधा डालने और धारा 144 का उल्लंघन और कोरोना एपिडेमिक एक्ट और IPC के अन्य सेक्शन के तहत मुकदमा पंजीकृत करके, जितने लोग इसमें हैं हमारे पास वीडियो भी हैं, साक्ष्य भी हैं, सबको चिन्हित करके हम जल्द भेजने की कोशिश करें। इन्होंने IPS भी गए साथ में, इन्होंने चौकी जलाने की भी उस टाइम धमकियां दे रहे थे। चौकी जलाने की भी धमकी दे रहे थे। हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, जो आइडेंटिफाई हो गए उनको हम गिरफ्तार कर लिए हैं और उनको कतई भी किसी भी दिशा में, किसी भी व्यक्ति को जो असामाजिक तत्व है उनको किसी भी दिशा में छूट नहीं दी जाएगी कि वो किसी भी पुलिस पार्टी पे, किसी भी चौकी पे हमला करने की हिम्मत करें। इसमें हम एक नज़ीर पेश करेंगे, जिनमें आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति पुलिस पार्टी या चौकी पे हमला करने की अपने सपने में भी ना सोचे। इसमें बढ़ा दी गई है यहाँ पर, बिल्कुल पुलिस बढ़ा दी गई, सख्ती कर दी गई। जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे उसके साथ हम बिल्कुल सख्ती से निपटेंगे, पूरी अपनी ताकत लगा देंगे। एक ये देखा गया कि कुछ लोगों ने पुलिस पार्टी पे गांव के अंदर भी हमला किया, जिसके बाद बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि पुलिस पे भी हमला किया था। हमारे ऊपर हमला किया गया, हमने उस हमले के जवाब में हमें अपनी सेफ्टी के लिए हमने लोगों को हिरासत में लिया है और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें हम सख्त से सख्त सजा दिलाएं। आईपीएस अभिषेक वर्मा जी के हाथ में चोट आई है क्या? उन्हें हाँ, तो पैर में चोट लगी है, हाथ में भी चोट लगी है, पैर में भी चोट लगी है। उनके साथ, उनके अलावा और भी हमारे साथ पुलिसकर्मी हैं जो भाग दौड़ में और जो जिनके इनके ऊपर जो हमले के दौरान जो लोगों ने हमला किया उससे लोग घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा जाएगा। अभी संख्या चिन्हित नहीं है, लेकिन हमारे पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए, जो कि एक बेहद शर्मनाक बात है।